सो मेरे पास इस वक्त यहाँ शेख तूफा मारवी हैं, जो जिन्होंने, मैं कहूँगी, अपने अब्बू का बाजू बनी हुई हैं। इतनी छोटी सी रेड लिपस्टिक लगा के मेरे पास यहाँ बैठी हुई हैं, है ना तूफा? पहली दफा मेकअप किया है या करती रहती हो? कभी कभार जब मूड होता है। जब मूड होता है। तूफा क्या करती है, चलो बताओ सबको। तुम्हारा नाम अतूफा ही है ना, मैं सही तो बोल रही हूं? जी जी बिल्कुल सही कह रही हूं। अच्छा मुझे बताओ कितने साल की हो तुम? मैं 18। 18 साल की जी। और कितने अरसे से तुम काम कर रही हो? मैं 10 साल की उम्र से जॉब काम कर रही हूं। किया 10 साल की उम्र से? करती क्या हो ये बताओ। पहले तो मैं मतलब कि अंकल का एक कारखाना था, उसमें सिलाई का काम। 10 साल की उम्र में सिलाई का काम कैसे आता था तुम्हें? बस वो थोड़ा हेल्परिंग वगैरह, जैसे कि ये काम कर देना, क्रॉपिंग कर देना, ये सारे काम, कैंची से काट दो और ये वो मतलब कि। फिर उसके बाद फिर मैं मेडिसिन कंपनी में किया। फिर वो कितने साल की थी जब? वो जब मैं वुडवर्ड में जॉब करती थी तो वहाँ पे कोई NIC वगैरह कुछ भी नहीं था, वो ऐसे ही रख लेते थे, वो फैक्ट्रीज में रख लेते थे। वो रख लेते थे। 12 साल की थी जी मैं, फिर 12 साल की उम्र में जॉब करने लग गई। फिर पढ़ाई छोड़ दी? जी पढ़ाई नहीं, मतलब कितनी पढ़ पाई तुम? मैं 9th तक पढ़ा। प्राइवेटली पढ़ रही थी? जी प्राइवेट पढ़ रही थी। फिर उसके बाद मैं बीमार, बहुत बीमार पड़ गई थी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था मेरा, मतलब कि मैं मौत के मुंह से वापस आई। हाँ। इस तरह हो गया था। फिर हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह थी। कितने तुम्हारे बहन भाई हैं और तुम्हें 10 साल की एज में क्यों निकलना पड़ा काम करने? क्योंकि मेरे बाबा का पीछे कोई सपोर्ट नहीं था और मेरी मामा का, मामा भी बहुत बीमार रहती थी मेरी, तो क्योंकि मेरे और बाबा और बहन भाई थे तुम्हारे अलावा? एक बड़ी सिस्टर थी। अच्छा। वो घर संभालती थी, मामा मेरी बीमार रहती थी और बाबा जो है जॉब करते थे। अब इतनी अर्निंग हो नहीं सकती कि बाबा घर का रेंट दे सकते थे, और आपको पता है महंगाई कितनी है घर रेंट का हमारा। तो अब मुझे ना अच्छा नहीं लगता था कि बस 10 साल की थी, 10 साल की बच्ची को क्या पता होता है। बस मुझे मतलब कि शुरू से ही ये था कि मैं कुछ बनूं, मैं कि मुझे मेरे माँ बाप को कोई ताना देता था या मेरे माँ बाप को कोई कुछ मतलब कि नीचे दिखा कर जाता था, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था। तो मैं हमेशा अपने अल्लाह से यही दुआ करती, अल्लाह पाक मुझे इतना कर दे कि मुझे, कि मेरे माँ बाप को कोई बोलने वाला ना हो। क्योंकि लोग सिर्फ मजाक बनाते हैं, पूरा नहीं करते हैं वो। क्योंकि जब मैं जॉब में निकली थी ना, तो रिश्तेदार खानदान बहुत सारी बातें बना रहे थे कि आपकी बेटी, आप बेटी क्या कर सकती, बेटी कुछ नहीं कर सकती, आजकल की लड़कियां ये है मोबाइल फोन। बट मैंने अपना टाइम जाया नहीं किया। मैं अपने बाबा का बिल्कुल बाजू बन के खड़ी हुई हूँ, मेरे बाबा फकर से बोलते हुए कि मेरी बेटी नहीं। अच्छा, आप तुमने 10 साल की एज में तुम फैक्ट्री में गई, फिर 12 साल की थी, फिर तुम दूसरी फैक्ट्री में गई। मैंने बहुत सारी जगह काम किया, चॉकलेट कंपनी, ये वो, बहुत मतलब की बहुत मेहनत की मैंने, बहुत ज्यादा ही। बेटा छोटी बच्चियाँ निकलती है तो फिर बहुत सारे लोग तंग भी करते हैं, आप क्या उस चीज से गुजरी? वो जो इंचार्ज थी ना, मैं जब जॉब करती थी ना, वहाँ की जो शाजियाबादी इंचार्ज थी, वो मैं उस कंपनी में बहुत छोटी सी गई थी, तो वो मुझे इतना मतलब कि एक बेटी की तरह रखी हुई थी, कि वो मुझे बोलती थी बहुत छोटी है, नादान है ये, इसको मतलब कि कोई कुछ नहीं बोले, काम नहीं होता था मुझसे। तो मुझे मतलब कि वहाँ की जो इंचार्ज थी दूसरी वाली, वो मुझे डांटती थी, पर वो मना करती कि छोटी, इसको डांटा नहीं करा करो, इसको क्या बोलो, ये नादान है घर की मजबूरी से। तो वो मतलब कि मैं जहाँ जाती थी, ख्याल करने वाले लोग तुम्हें मिले? हाँ, कंपनी में सब ख्याल, अच्छे लोग भी है ना दुनिया, अच्छे लोग भी हैं। क्योंकि फिर मैं जहाँ जाती थी, फिर मैं छोटी थी तो सब मुझे बोलते थे नादान है, बच्ची है, उसको कुछ नहीं बोलो, करने दो।